आज आपने वाकई कुछ नहीं बना के देना हमें यार, ये कुछ नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। शामी शूमी बना के कद्दू नहीं तो कद्दू खत्म हो गए, बच्चे खाते नहीं है कद्दू की शामी है, तो आप कद्दू लेके बैठे रहते हैं रोज। वो नहीं खाते ना, हमारे रेहान नहीं खाता। एक चीज ढोल कौन लेके आया? मैं। कहाँ से लेके आये? पता नहीं। चाचा ये चाचा आप बच्चे जी हम ढोल लेके आए हैं, पकोड़े भी चिप्स भी उधर से लेके आए। नहीं लेके आई उधर से, पकोड़े नहीं उधर से लेके आए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश रहा रहे फूलों की तरह हंसते मुस्कराते हैं। आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल बना है लखनऊ लोग, जो हमारे चैनल पर न्यू है सबसे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करूँ, घंटी के बटन को दबा दें। तो चलते अपने ब्लॉग की तरफ। हाँ जी उस्ताद जी, क्यों तोड़ रहे हो? ख़त्म कर दिया ये? अच्छा क्यों? अच्छा उधर बनाना है, ये ख़त्म कर गया। चलो वाओ माशाल्लाह जी, ये क्या हो रहा है इधर? अस्सलाम वालेकुम, मुझे सब क्या हाल है? ठीक है तबीयत? ठीक है अल्लाह का। अच्छा ये ग्राउंडिंग हो रही है रिहान बेटा, आपको पता नहीं आपने ट्यूशन जाना है? चले मिनट से पहले पहुंचे। और जी साहब फयाज ठीक हो? आपका एक काम खराब हो गया, आपको जुर्माना पड़ गया। हाँ आपको जुर्माना बहुत तगड़ा पड़ गया। बस 1 करोड़ से बजाना, लाखों की कोई बात नहीं। हाँ यार इधर पानी मारे देखो खड़े। ये जी ग्राउंडिंग कर रहे हैं जी, लगाया फर्श इधर अपना अहमद भाई के घर में। वो वहाँ पे पानी जा रहा है आपका, वहाँ पे सख्त मसाला डालें फिर वो रुकेगा, या रेत डाल दें उधर या मसाला सख्त डाल दें उधर। इसको बंद करो, ये बंद नहीं होता। अब ठीक है, अब इसके ऊपर बोरी शोरी फिरेगी। तो माशाल्लाह जी अहमद भाई का ये वाला हाउस जो है ना, ये तो कंप्लीट हो गया, वायरिंग शायरिंग भी हो गई है मेरे ख्याल पानी की, और फर्श भी चल डल गया आज माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बन गया। ये देखें जी फर्श वगैरह डाल दिया। अब बात ऊपर सुखा पे माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत फर्श बन गया जी सेन का। इधर जी माशाल्लाह असगर भाई भी अपना कैमरा लेके पहुंच चुके हैं, साथ में फ्रूट श्रूट है और सब्जी है, तो लगता है मेरा ख्याल है इधर कोई इफ्तारी तवरी का प्रोग्राम करवा रहे हैं इधर ही। हाँ जी असगर भाई इधर ही कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं क्या? सामान लेके अभी देर है करवाएंगे। अच्छा ये अब आगे इधर तो लगता है अभी प्रोग्राम बढ़ गया। ये देखे ना, ये देखे ये प्रोग्राम बढ़ गया इधर तो। ये देखो ये वाला ये बढ़ गया। ये क्या किस बात किस जगह पाऊ है यह क्या होगा? यह खड्डा वो छोड़ा हुआ ना उसके लिए, सेवरी के लिए, सेवरी के लिए होदी की जगह छोड़ी हुई है, होदी बनेगी, होदी ठीक हो गया जी। नहीं वो उधर वाला वो फ्रंट वाला वॉशरूम बना बना करो रूम को, वो तोड़ रहे हैं जी वॉशरूम इधर वाला ना। वो अहमद भाई ने जी कोई नया प्रोग्राम इधर, कोई नया प्रोजेक्ट इधर उस्ताद अपना अहमद ने छेड़ लिया जी, कोई ये जो है इसको तोड़ रहे हैं, पहले आरा जो नीचे बनाया हुआ था उसको खोल रहे हैं, उसको तोड़ के दोबारा बनाएंगे। पता नहीं अब वॉशरूम क्यों चेंज है गया इधर। हाँ कैसे लंबा करना है, चल जैसे इनकी मर्जी। हाँ जी आज बनाने का कुछ नहीं था ना, समझ आ रही थी क्या बनाऊं, सोच सोच के फिर उठ के आलू उबाले, ये आलू बॉईल किए, तो इधर गोभी काटी, इधर खीरे हैं, टमाटर है, मैंने कहा आलू की चाट बना लें, चाट बनाऊंगी फिर दिखाऊंगी कैसे चाट बनाती हूँ, क्या कुछ इसमें डलेगा, और मैंने कुछ नहीं बनाना, सालन भी नहीं बनाना आज, सालन भी हमारा पड़ा है परसों का, तो हमने सिर्फ चाट बनानी है। सुबह इनको अंडे फ्राई कर दिए थे, उनके साथ आमलेट बना दिया था अंडों का, उनके साथ इसलिए उन्होंने सहरी कर ली, अब शाम को फिर वही क्या बनाऊँ क्या पकाऊँ क्या बनाऊँ,
मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या रोज़ क्या बनाऊँ इनके लिए। नवाज जी जेब भी ज़्यादा देती है कि रोज़ क्या बनाऊँ। फिर मैंने आलू उबाले हैं, उबाल के तो आलू की चाट बना के बनाने लगी हूँ। गोभी है बंद, खीरे हैं, टमाटर है, आलू है। क्या बना रही हैं आज? मुझे नहीं समझ आती रोज क्या बना। कुछ ले आऊं मैं? वो जो पैसे ऐसे ही खर्च कर ले, किचन नहीं बनाना? किचन भी बनाना तो है, फिर रोजे है ना बच्चे, फिर खोलेंगे रोजा। कोई बात नहीं, ऐसे खोल लेंगे बच्चे, कुछ नहीं। चलिए आज जी बेगम ने जवाब दे दिया जी, आज मैं कुछ नहीं बना रही पारी के लिए, बस ये आलू शालू हैं, यही सब रोजा खोले। चलो जी ठीक है जी, इसे रोजा खोल लेते हैं, खैर कहे सही तो सही। रोजा ही खोल लें, रोजा खाने के लिए रोजा रखते हैं। अच्छा, अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हैं बस। फिर दो खजूरों का और पानी भी, और रोजा खोल लो। ये तो हमारे अपने चस्के हैं ना, टोक अपने ही। रोजा कौन सा कहता है कि ये खाओ वो खाओ। ठीक है, चलें जी आपकी जैसे मर्जी, जो आप देंगे खाने को हम खा लेंगे, और रोजा खोल लेंगे इसी के साथ ही। ये आलू उबाल क्यों गए? छीनने वाले छीनो भाई, छीन दे। मक्खी पता नहीं कहाँ से आ गई। बड़े जो आलू है ना वो महंगे हैं, वो 300-400 के 5 किलो आते हैं। ये 150 के 5 किलो है, ये 150 के 5 किलो, ये 150 रुपए का 5 किलो। तो फिर गुजारा करना है ना। पाकिस्तान में रोजा रमजान शरीफ में तो इतनी महंगाई हो जाती है कि अल्लाह की पनाह, मुसलमानों को ये नजर नहीं आता कि रमजान शरीफ है, लोग गरीब हैं अमीर हैं, रोजा रखते हैं। पता है हमारे मुल्क में लोग क्या करते हैं? रमजान शरीफ से पहले जब चीज़ें सस्ती होती हैं ना, उस वक्त वो लेके ना स्टॉक कर लेते हैं, ये जो हमारे डीलर हैं, फिर रमजान शरीफ में हम महंगी करके बेचते हैं। वो गलत बात है ना, लोग रमजान शरीफ में सस्ती चीज़ें बेचते हैं, ये महंगी बेचते हैं, सवाब कमाते हैं बहुत ज़्यादा समाज। अल्लाह ताला सबको हदायत दे दे। हाँ जी, अल्लाह ताला सबको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक दे। आमीन। बच्चे हम आ गए, हम आ गए, क्या कर रहे हो? याद भी करना है, लेटना नहीं है। अब सुबह किस चीज़ का पेपर है आपका? परसों हफ्ता, हफ्ते को कल छुट्टी है। वो आप ही आई थी, आप ही अजरा, वो कहती मेरी बेटी और मेरा बेटा भी 9 में पढ़ता। अच्छा, कहती मैं देखूँ कि कौन ज़्यादा नंबर लेके आता है। वो टीचर थी कभी। अच्छा, वो कह रही थी मैं देखूँगी कितने नंबर लेके आ रहे हैं अम्मा और मेरी बेटी और बेटा कितने नंबर लेके आए। सही बात है, कहती उन्होंने ट्यूशन नहीं पढ़ी। अच्छा, ये तो ट्यूशन पढ़ रहा है ना हर बार। हाँ जी, बस ये अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन। चले आगे, ये मक्खियाँ उड़ा रही हैं, बहुत मक्खियाँ हैं। आज आपने वाकई कुछ नहीं बना के देना हमें यार, ये कुछ नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। शामी शूमी बना के कद्दू नहीं है? कद्दू खत्म हो गए, बच्चे खाते नहीं है कद्दू की शामी है, तो आप कद्दू लेके बैठे रहते हैं रोज। वो नहीं खाते ना, हमारे यहाँ नहीं खाता, यहाँ नहीं खाता, हमारा तो खाता है। फिर एक बंदा ना खाए तो ये अच्छा लगता है ना। ये कैसा आलू है? जैसे अरबी होती है, अरबी जैसा आलू है। बस इसको अभी ऐसे ही होना था। तो शाम का टाइम है जी, मैं निकला हूँ बाहर, तो मैंने कहा जी थोड़ा सा चहल कदमी कर लें और कुछ खाने पीने के लिए कुछ ले लें। तो यहाँ पे लगी हुई है जी रेडी, लगी हुई आबद भाई के देश, आबद देसी लोग वालों की। तो यहाँ से कोई रोल शोल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, हाँ भाई बच्चे क्या हाल है? और ठीक हो? तबीयत है, सुने सेहत है? रोल है, रोल किधर है? ऊपर पड़े हैं, बनाए 6 रोल। किधर गया आबद भाई? घर गया है। घर गया है,
6 रोल बना के लिया फर्स्ट क्लास से। अच्छा जी, दुकानों में फर्श फुर्श नया डल गया है। चलो जी माशाल्लाह। कितनी देर में आएगा आबद भाई? आबद भाई कितनी देर में आएगा? 5-10 मिनट लगेगा। अच्छा जी, आबद भाई कहाँ गए हैं यार? मैं इधर आया हूँ, मैंने कहा चले चल के वो रोल शोल लेके आए, तो आबद भाई गए हैं आज तो माशाल्लाह जी। आज तो ये मुंडा बन गया जी, छोर बन गया जी, छोर छक्का आज तो बन गया जी माशाल्लाह। 15 साल का लड़का लग रहा है। चले माशाल्लाह, 6 रोल दें भाई। ये देखें जी, आबद भाई रोल में आ रहा है। इधर से समोसे और यार आबद भाई, इधर से भी रोल पट्टी मिलती है मौलवियों से भी? मिलती है यार, पता नहीं कल मैंने देखी है शायद। आबद भाई रोल बना रहा है जी मेरे लिए, तो रोल तकरीबन बन चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, शीशा वगैरह लगा हुआ है चारों तरफ, मट्टी शट्टी नहीं पड़ती ऊपर, धूल मट्टी से कचरे से भी माशाल्लाह पाक है जी। ये लें जी, ये मैं लेके आ गया हूँ चिप्स और लेके आ गया हूँ रोल। बेटा ये अपनी मामा को दे देना, ठीक है, ये पड़े हैं इनको संभाल लेना। एक चापर में चिप्स है, एक में रोल है, ठीक है। हाँ, तुम्हारी मामा कहती थी कि मैंने आज ना कुछ नहीं बनाना, उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं बनाना, मैंने कहा ना ही बनाना तो ना बनाया जी, मैं फिर जाके ले आता हूँ। ओए बादल कितने हो गए जी ऊपर, देखें काले काले बादल हो रहे हैं, पर अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास गिराज है जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के लिए भी, और हमारे चार पहिया बाहर डालने के लिए, ये जी बरांडा हमारा है सामने किचन के, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला जी सबको नसीब फरमाए जी। मुझे लगता है मुनाहिल आ रही है चाची के घर से। हाँ जी पापा, वजू कर रहे हैं। नहीं आई मुनाहिल जी, आ गई है। मुनाहिल भाग के कैसे आई हो? रोजा रखती नहीं है। एक चीज रोल कौन लेके आया? मैं। कहाँ से लेके आया? पता नहीं। तो चावल, ये चाचा आबद से भी हम रोल लेके आए हैं, पकोड़े भी चीज से भी उधर से लेके आए। नहीं लेके आई उधर से, पकोड़े नहीं उधर से लेके आए। पकोड़े खड़े हैं। इधर जी पापा आ रहे हैं। ये नहीं जी, मैं लेके आ गया हूँ जी अपनी शहजादी के लिए। क्या लेके आया देखें जी, आए रोल पूरे चिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जी, मैंने हम आप इधर आते हैं माशाल्लाह। देखें जी बेगम साहब जी, स्पेशल आपके लिए इफ्तारी का मैंने इंतजाम किया। आपने कहा जी मुझसे कुछ नहीं बनता, मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने कहा चलो फिर मैं कुछ ले आता हूँ। मैं जाके ये रोल लेके आया हूँ, साथ में चिप्स है थोड़ी सी, रोल और चिप्स, एक एक रोल सबके लिए और थोड़ी सी चिप्स सबके लिए। कितने की लेके आए? जितने भी लेके आए जी माशाल्लाह। आज की तारीख जी हमारी माशा 17वां रोजा, जी 17वां रोजा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी कम्प्लीट हो चुका है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जितने भी रोजे रहते हैं वो भी रखने की तौफीक अता फरमाए, और जो बहन भाई हमारे बेऔलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और मदीना औलाद अता फरमाए, और जो बहन भाई मखरूज हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज़े से फरमाए, जो बहन भाई हमारी सपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके रिस्क में कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनको वसी रिस्क अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।